बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमेठी से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा तंज कस दिया है। कांग्रेस नेता अजय राय के विवादास्पद बयान के बाद स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए ट्वीट करके लिखा कि राहुल गांधी किसी दूसरी सीट पर तो नहीं भाग जाएंगे, वो डरेंगे तो नहीं, अमेठी से उनका लड़ना पक्का समझूं। सवाल पूछा। स्मृति ईरानी ने यह तंज कांग्रेस नेता अजय राय के विवादास्पद बयान पर कसा है। जहां लोगों ने उस वहां बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं, स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं, वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। प्रकार की बयानबाजी लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। जनता ने आशीर्वाद दिया है, लोकतंत्र में चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी करना बहुत ही निंदनीय है। स्मृति ईरानी जी पार्टी की बड़ी नेता है और समाज में उनकी बड़ी स्वीकार्यता है। स्मृति ईरानी एक फील्ड में एक्ट्रेस तो रही है, लेकिन आज पॉलिटिक्स में उनका बहुत ही अच्छा नाम है। अमेठी में उन्होंने राहुल गांधी को हराया है और वहाँ जाकर वो मतलब अपना काम करती है, गलत काम होगी तो अपनी भूमिका रखती है, तो लटकी छटकी उनके लिए बात करना अच्छी बात नहीं है, ये महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है। इधर मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 5 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही इन सभी जगहों पर प्रशासन को सतर्क रहने का भी निर्देश दिया गया, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक इन राज्यों के अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाएगी और इसका सीधा असर ट्रैफिक की रफ्तार पर पड़ सकता है। इस बीच कर्नाटक विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने पर घमासान मच गया। इससे नाराज कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर ही मोर्चा खोल दिया और कर्नाटक सरकार के इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के कई विधायक विधानसभा के बाहर काफी देर तक हंगामा करते रहे। असल में वहां विधानसभा के अंदर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगाई गईं, जिनमें वीर सावरकर की भी तस्वीर शामिल है और इसी बात से नाराज कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इधर ईरान में वहां की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ताराने को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिनेत्री ताराने पर आरोप लगाया कि उन्होंने ईरान में हो रहे प्रदर्शनों पर झूठ फैलाया, जिसकी वजह से अभिनेत्री ताराने को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने एक प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा मिलने पर पोस्ट की थी। ईरान के मीडिया का दावा है कि ताराने अपने सोशल मीडिया पर किए गए दावे को साबित नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, ईरान की कई ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जिन्हें सरकार विरोधी और भड़काऊ पोस्ट करने पर समन्स भेजे गए। चीन में कोरोना वायरस के कारण हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां के कब्रिस्तान के बाहर भी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर खड़ी कारों के एक वीडियो ने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि वीडियो में कारों की लंबी लाइन दिखी। सड़क के एक और गाड़ियां लगाकर लोग इत्मीनान से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। दावा किया गया कि ये गाड़ियों की लंबी कतार बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर जुटी। हर कार में एक ऐसा व्यक्ति है जो वायरस के आगे दम तोड़ चुका है। लेकिन जिंदा लोगों को तो क्या, चीन में उन लोगों को भी सम्मान नहीं मिल रहा जिनकी जान जा चुकी है, क्योंकि एक तो मरने वालों की गिनती शमशान की क्षमता से ज्यादा है, ऊपर से शमशान के कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। चीन में हालात इस कदर बेकाबू हैं कि वहां बीमार लोगों को दवाएं तक नहीं मिल रही। घबराए हुए लोग दवाओं का स्टॉक जमा करने में जुटे हैं। मतलब ये कि जिंदा लोगों को दवाएं नहीं मिल रही और मुर्दा लोगों को शमशान में जगह नहीं मिल रही।